हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विश्वता। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फेशियल पाल्सी, जिसे हम बेल्स पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि बेल्स पाल्सी या जो फेशियल पाल्सी होता है वो क्या होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे और उसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे, और अगर ये डिजीज हो जाता है तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी को। ठीक है, फेशियल पाल्सी को हम बेल्स पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। इसे बेल्स पाल्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डिस्कवर किया गया था वो चार्ल्स बेल्स के थ्रू ही किया गया था, इसलिए इसे हम बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। एंड इसके अलावा हम इसे एक्यूट पेरिफेरल फेशियल पाल्सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह फेशियल पाल्सी हमारी फेशियल नर्व, जो हमारी क्रीनियल नर्व होती है, 7th नंबर की क्रीनियल नर्व होती है फेशियल नर्व, उसकी पैरालिसिस होने की वजह से होता है। ठीक है, और जो हमारी क्रीनियल नंबर की 7th क्रीनियल नर्व है फेशियल पाल्सी, वो मिक्स टाइप की क्रीनियल नर्व होती है। ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो मिक्स है तो एक सेंसरी पार्ट होगा और एक होगा मोटर पार्ट। तो जो फेशियल पाल्सी का जो सेंसरी वाला पार्ट होता है वो सेंसेशन लेकर के जाता है एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन ऑफ द टंग रिलेटेड टू टेस्ट, मतलब हमारे जो टंग है, जो हमारी जीभ है, उसके टू थर्ड पोर्शन से सेंसेशन लेके जाता है, टेस्ट का सेंसेशन लेके जाता है गैस्टेटरी एरिया में इनटू द पैराइटल लोब, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है पैराइटल लोब, उसमें एयर लेके जाता है गैस, जो भी टेस्ट के सेंसेशन है हमारे टू थर्ड पोर्शन ऑफ द टंग से लेकर जाकर के गैस्टेटरी एरिया इन पैराइटल लोब में लेकर के जाता है। तो ये मेनली क्या करता है, टेस्ट के सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एक सेंसरी है फेशियल सेंसरी, तो जो भी सेंसेशन वाली चीज़ें होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा जो पोर्शन होता है वो फेशियल मोटर, मतलब जो भी हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी मोटर हमारे फेस का एक्सप्रेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली इसमें जो बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी की कंडीशन में जो मेनली 7th क्रेनियल नर्व, मतलब फेशियल नर्व की जो हमारी ब्रांच होती है फेशियल मोटर, मतलब मोटर ब्रांच ही अफेक्टेड होता है। मतलब सेंसेशन वगैरह तो प्रॉपर तरीके से जाते हैं, जो भी टेस्ट के सेंसेशन हैं वो हमारे पैराइटल लोब तक जाएंगे, हमें टेस्ट का पता चलेगा, लेकिन जो मोटर ब्रांच है जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोटर ब्रांच अफेक्टेड हो जाता है वन साइडेड ऑफ द फेस, मोटर ब्रांच इज अफेक्टेड वन साइडेड ऑफ फेस। तो हमने बेसिकली क्या बात किया कि फेशियल पाल्सी को हम बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी खोज चार्ल्स बेल्स के थ्रू की गई थी, इसलिए इसे बेल्स पाल्सी कहते हैं। और इसके अलावा इसे एक्यूट पेरिफेरल फेशियल पाल्सी के नाम से जानते हैं, और इसमें हमारे जो क्रेनियल नर्व होती है 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है फेशियल नर्व, उसमें पैरालिसिस हो जाने की वजह से होता है। और इसमें जो 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है फेशियल नर्व, उसकी जो मोटर ब्रांच होती है वो अफेक्टेड होती है, जब मोटर ब्रांच अफेक्टेड होगी तो जो भी एक्सप्रेशन वाली जो मोटर वर्क है हमारे फेस की वो इंटरप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हम किसी भी चीज़ को च्यूविंग नहीं कर पाएंगे, या फिर जो भी हमारे फेस से जो भी काम होता है डिफ़िकल्टी टू च्यूविंग होगा और अनेबल टू पॉप आउट द एयर। तो इसको फर्दर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देगा, क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देगा अगर किसी को फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी हो जाता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आखिर कौन से कारण है जिसकी वजह से फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी होता है। ठीक है, तो जो इसकी एग्जैक्ट कॉजेज है वो तो अननोन है, अज्ञात है, अभी तक पता नहीं चला है कि मतलब जो फेशियल पाल्सी है या बेल्स पाल्सी उसके कारण अभी तक पता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में लाइक अगर हर्पीस वायरस की वजह से ये देखने को मिलता है, या इसके अलावा अगर जो 7th क्रेनियल नर्व है उसमें स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी दिखाई दे सकता है बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर पेशेंट को बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे, पेशेंट में क्या दिखाई देंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला सिम्टम्स होगा, जो पहला लक्षण होगा, वो होगा ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फेस। जो फेस है वो ड्रॉप डाउन कर जाएगा, वन साइडेड फेस जो है वो ड्रॉप डाउन कर जाएगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, क्योंकि जो हमारे फेस का जो मोटर ब्रांच है वो अफेक्टेड हो गया है। तो फेस जो है वो वन साइडेड फेस जो है वो ड्रॉप कर जाएगा, ड्रॉप डाउन कर जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, सलाइवा जो होगा वो टपकने लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारी मोटर ब्रांच है वो वर्क नहीं कर रही है, वहाँ की मसल्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं, तो जो सलाइवा, जितना भी सलाइवा बनेगा वो ड्रॉपिंग डाउन होगा, नीचे अपने आप ही टपकेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग। जब हमारी मोटर ब्रांच ही, फेशियल की मोटर ब्रांच ही अफेक्टेड है, तो जो पर्सन अफेक्ट हो चुका है इस फेशियल पाल्सी या वेल्स पाल्सी से, वो इस चीज़ को, मतलब जो भी अगर च्यूइंग करता है तो उसको च्यूइंग करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसकी जो टेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट मिलेंगे, लेकिन च्यूइंग करने में उसको प्रॉब्लम होगी, किसी भी चीज़ को चबाने में दिक्कत होगा। एंड अब्सेंस ऑफ फोर हेड्स रिंकल्स, जो फोर हेड्स होती हैं उसकी जो रिंकल्स है वो अब्सेंस होगी। इसके अलावा अनेबल टू पॉप आउट ऑफ एयर, जो एयर को पॉप आउट अगर करने के लिए बोलते हैं तो उसको करने में उसको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अनेबल टू विस्लिंग, रेजिंग ऑफ आईब्रो एंड स्माइलिंग एंड किसिंग, ठीक है। जो पर्सन है जो कि इस बीमारी से अफेक्टेड है, वो विस्लिंग, मतलब अगर उसको विस्लिंग करने के लिए कहेंगे तो नहीं कर पाएगा। रेजिंग ऑफ आईब्रो, उसकी आईब्रो को अगर ऊपर उठाने के लिए कहेंगे तो उसको करने में उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो आईब्रो को ऐसे उठाता है तो फोरहेड्स रिंकल्स बनेंगे, और इसमें अब्सेंस होते हैं फोरहेड्स रिंकल। एंड इसके अलावा वो प्रॉपर तरीके से हंस भी नहीं पाएगा, और अनेबल टू किसिंग, मतलब ये सारे वर्क को करने में, वर्क को परफॉर्म करने में वो उसे दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली लक्षण दिखाई देंगे पेशेंट में जो कि बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी से सफ़र कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि पेशेंट को सफ़र कर रहा है बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी से, तो उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, तो पहली बात तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, और हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे तो उसमें हमें हर एक चीज़ का पता चलेगा, क्यों, और उसमें जो कारण वगैरह है वो भी पता चलेगी। एंड इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो बेसिकली जो फिजिकल एग्जामिनेशन करने से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो फेशियल पाल्सी या सेरिब्रल फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी से सफ़र कर रहा है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फेस दिखाई देगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, डिफ़िकल्टी, पेशेंट को कंप्लेन करेगा कि मैं किसी भी चीज़ को श्विंग करता हूँ तो मुझे दिक्कत होता है। एंड इसके अलावा फोरहेड्स रिंकल्स अब्सेंस होंगे, एंड पेशेंट जो है अनेबल टू विसलिंग, रेजिंग ऑफ आईब्रो, स्माइलिंग एंड किसिंग, ये सारी चीज़ें करने में असमर्थ रहेगा, तो हम पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है वो फेशियल पाल्सी से सफ़र कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर उसको ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो जो पर्सन है वो तो च्यूइंग कर नहीं पा रहा है, उसकी जो फेस है ड्रॉपिंग डाउन हो चुकी है, सलाइवा ड्रूलिंग हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो उसको ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, उसकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है ताकि कोई फर्दर इन्फेक्शन ना हो जाए, टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज है अगर वो क्या होता है कि जो फेस है, फेस का तो ड्रॉपिंग डाउन होता है, लेकिन जो जिस साइड का अफेक्टेड होता है उसकी जो वन साइडेड आईज़ होती हैं वो भी ओपन रहती है, तो उसको ड्राइनेस से बचाने के लिए मेथिल सेलुलोज का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे तो उसको आर्टिफिशियल टीयर देंगे, लाइक मेथिल सेलुलोज, ताकि जो भी उस पेशेंट की आईज़ है वो ड्राइनेस होने से बच सके, ठीक है। एंड इसके अलावा पेशेंट को हम कहेंगे कि आप जो है वो अनअफेक्टेड साइड से च्यूबिंग करें, जिस साइड से, मतलब जिस साइड में अफेक्टेड है उस साइड में आप किसी चीज़ को न खा करके जो दूसरे साइड में, जो अनअफेक्टेड साइड है उस तरफ से आप खाएं। एंड इसके अलावा प्रोवाइड आई पैचेस को
प्रोवाइड कराना है टू क्लोज दी आई, क्योंकि आई अगर हमेशा क्लोज ओपन रहेगी तो ड्राइनेस होगा, तो आई को क्लोज करने के लिए आई पैसेस का यूज़ करना है। एंड अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सरसाइज, मतलब उसके मोटर ब्रांच अफेक्टेड है तो एक अप्रोप्रिएट तरीके से जो फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज होती है उसको बताने हैं। एंड इसके अलावा इन्फ्लेट द बलून, बलून को इन्फ्लेट करने के लिए कहेंगे ताकि जो मसल्स वगैरह हैं उसमें स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथनिंग बढ़े, ठीक है। तो बेसिकली हमने बात क्या किया कि अगर पेशेंट जो सफ़र कर रहा है वेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी से, तो उसको उसके ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ आई, आई को ड्राइनेस, क्योंकि आई जो होती है क्लोज होती है तो उसको ड्राइनेस होने से बचाना है। इसके अलावा प्रोवाइड द आर्टिफिशियल टीयर लाइक मेथिल सेलुलोज एंड स्ट्रिबिंग फ्रॉम द अनअफेक्टेड साइड, उस अनअफेक्टेड साइड से स्ट्रिबिंग करने के लिए बोलना है। इसके अलावा हम पेशेंट को आई पैसेज देंगे क्लोज करने के लिए, आई को अप्रोप्रिएट फेशियल मसल्स एक्सरसाइज बताएंगे एंड इन्फ्लेट द बलून, बलून को इन्फ्लेट करके बताएंगे। तो बेसिकली आज हमने फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी के बारे में पढ़ा कि फेशियल पाल्सी को हम बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो डिस्कवर किया गया था चार्ल्स बेल्स के थ्रू किया गया था। इसके अलावा इसे एक्यूट पेरिफेरल फेशियल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं जो कि पैरालिसिस ऑफ द सेवंथ क्रैनियल नर्व में होता है और इस पर फेशियल नर्व की जो मोटर ब्रांच होती है वो अफेक्टेड होती हैं। तो जो भी फेशियल एक्सप्रेशन वाली चीज़ें हैं, इसमें मसल्स का मूवमेंट वाली चीज़ें हैं, वो अफेक्टेड हो जाता है। तो पर्सन जो है वो किसी चीज़ को जो फेस से करने वाली चीज़ें हैं लाइक अगर च्यूबिंग करना है तो उसको प्रॉब्लम होगा, विस्लिंग बनाने में उसको प्रॉब्लम होगा, किसिंग करने में प्रॉपर स्मेलिंग नहीं दे पाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करेगा। इसके अलावा इसको हम डायग्नोसिस करेंगे बाय स्टिक कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करके, एंड इसके अलावा इसके मैनेजमेंट हम करेंगे। तो ये पढ़ा हमने ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेशियल पाल्सी एंड बेल्स पाल्सी के बारे में। तो आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो लेक्चर के थ्रू उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।